वहीं रीवा में 160 फीट गहरे बोरेवेल में फंसे मयंक को बचाया नहीं जा सका। 44 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद वो बोरेवेल के भीतर 42 फीट की गहराई पर मिट्टी पत्थरों के बीच दबा मिला। उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। मेडिकल टीम उसे लेकर अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिला पंचायत CEO सौरभ सोनवड़े ने भी मयंक की मौत की पुष्टि की है।